हेलो दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देना चाहेंगे सैनिक स्कूल चित्तौड़ की। दोस्तों, सैनिक स्कूल चित्तौड़ राजस्थान के चित्तौड़ ज़िले में स्थित हैं। राजस्थान में मात्र दो ही सैनिक स्कूल स्थित हैं और ये जो सैनिक स्कूल हैं ये राजस्थान का गौरव चित्तौड़ का जो किला है वहाँ से मात्र 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक खूबसूरत एक भव्य स्कूल है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक असीम प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से ये विद्यालय दिनों दिन फलता फूलता आ रहा है। यहाँ के कैडेट्स इस कैंपस को साफ सुथरा रखने में अपना अहम योगदान प्रदान करते हैं। साथियों, ये भारत का गौरव है कि हमारे देश में ऐसे विद्यालय हमारी सरकारों के द्वारा डेवलप किए गए हैं। साथियों, यहाँ पर जो कैडेट्स हैं उनका सिलेक्शन बाई एग्ज़ाम के होता है, प्रवेश परीक्षा करवाई जाती है। ये देखिए, यहाँ पर ये ओपन जिम है, ओपन जिम जहाँ पर कैडेट्स मॉर्निंग को ओपन जिम करते हैं। साथ ही कैडेट्स के लिए मेस की व्यवस्था भी है। यहाँ का जो मेस है काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत है। बच्चे पूरे आनंद के साथ में भोजन प्राप्त करते हैं। साथ में ही यहाँ पर जो बाहर टैंक जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये ओरिजिनल हैं, तथा इसी प्रकार से अन्य सैनिकों को आवश्यक उपकरण भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ का प्लेग्राउंड, यहाँ का अन्य रनिंग ग्राउंड काफ़ी खूबसूरत हैं। ये हैं यहाँ के कैडेट मैथ्स के लिए बैठक व्यवस्था, जहाँ पर कैडेट्स यहाँ पर प्रातःकाल तथा सायंकाल का भोजन प्राप्त करते हैं। काफ़ी खूबसूरत ये बहुत बड़ा मैस का इनकी बैठक व्यवस्था है। साथ में ही यहाँ पर स्वादिष्ट खूबसूरत तथा अलग अलग व्यंजकों से बने हुए खाद्य पदार्थ कैडेट्स को खाने को मिलते हैं। ये विद्यालय राजकीय विद्यालय हैं। ये यहाँ की भोजन की बैठक व्यवस्था है। देखिए, साथ ही साथ में यहाँ पर अलग अलग सैनिक स्कूल के तस्वीर भी आपको देखने को मिल जाएगी। हेलो दोस्तों, आज हमें सैनिक स्कूल चित्तौड़ में, चित्तौड़ सैनिक स्कूल जो कि काफी प्रसिद्ध है राजस्थान में, मात्र 2 सैनिक स्कूल है। और अगर साउथ में देखा जाए तो राजस्थान साउथ में ये चित्तौड़ है जो कि काफी बहुत बड़ा कैंपस लिए हुए ये सैनिक स्कूल है। और आप देख पा रहे हो यहाँ हमने जो चीजें देखी है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो सैनिकों के लिए जो भी आवश्यक उपचार औजार होते हैं, आवश्यक यंत्र होते हैं, उन सभी को यहाँ पर सजो के रखा है। कुछ आर्टिफिशियल है और कुछ ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट्स भी यहाँ पर हैं। और ये देखिए, जो बच्चे हैं यहाँ के, जो बच्चे स्टूडेंट है वो कैडेट कहलाते हैं, उनको यहाँ पर स्टूडेंट नहीं कहा जाता है, कैडेट कहा जाता है। और यहाँ पर हमने देखे काफी लगभग ये मान के चले कि 400-500 यहाँ से अधिकारी निकले हैं, उनकी लिस्ट भी यहाँ पर लगी हुई थी। मैं इसको विजिट करके आए थे भी हम। और ये देखे यहाँ पर जो सारे बच्चे होते हैं वो गेम में अधिक ज्यादा रुचि लेते हैं। और ये देखिए आप, ये पास में एक डेमो के रूम में यहाँ पर दिखाया गया, ये ओरिजिनल पार्ट है शायद। सर, ये ओरिजिनल है? अच्छा, ये ओरिजिनल जो प्लान है, ये जेट जो है ओरिजिनल जेट है ये। और काफी अच्छा लगा हमें यहाँ जो विजिट किया, हमने पूरी टीम के साथ में हम आए थे, एक हमारा स्कूल था, स्कूल का ग्रुप था, ग्रुप के द्वारा हमने विजिट किया, काफी अच्छा लगा। और भी हम कुछ देखने जा रहे हैं। और हमारे साथ में एक बदेसर स्कूल भी आए थे, मॉडल स्कूल बदेसर, वो देखिए
मॉडल स्कूल बदेसर के बच्चे भी फुल डिसिप्लिन के साथ में यहाँ पर आए थे, उन्होंने विजिट किया था, हमें काफी अच्छा लगा। और हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आपको अगर अवसर मिले तो आप देखिए, परंतु यहाँ आपको आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आप परमिशन के थ्रू यहाँ पर आते हो तो आपको परमिशन मिल जाएगी, आपको पहले 8-10 दिन पहले आपको परमिशन लेनी होगी। और कैडेट्स के जो मैच की जो व्यवस्था है काफी सुंदर, बहुत अच्छी व्यवस्था है जो कि आपके लिए हमने बताई है, दिखाई है इस वीडियो में। और भी हम आपको और भी डिफरेंट डिफरेंट जो वैल्यूज होगी यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट जो हमें लगेगा उसको हम हमारे स्कूल में अप्लाई करने का भी सोचेंगे। और उन चीजों को यहाँ से हम ग्रहण करके जाएंगे, जो नॉलेज हम यहाँ से अर्न करेंगे, नॉलेज को जो ट्रांसफर करेंगे, ये बहुत अच्छा अवसर हमें मिलेगा। थैंक यू, साथ में बने रहिए आप। कैडेट्स के लिए ड्रिल के लिए ये ग्राउंड काफ़ी खूबसूरत और अच्छा ये विद्यालय। अलग अलग पार्ट कर रखे हैं ना, जो नेवी में रहना चाहते हैं, जो एयरफोर्स में रहना चाहते हैं, वो उनके सभी अलग अलग पार्ट्स हैं। अच्छा, यूनिफॉर्म भी अलग अलग होती है, तो एक बच्चा क्या सभी पार्ट में रह सकता है या फिर उनको अलग एक पे रहना पड़ता है सबके? तो ये कॉम्पिटिशन बेस में लेते हैं या फिर उनको किस बेस पे लेते हैं, उनको अलग अलग, उनको अलग सेपरेट कैसे करते हैं? डेली एक साथ थोड़ी रहेंगे। अच्छा, जैसे बीच में एक बार नंबर कट ही जाएगा। अच्छा, किसी दिन गेम वगैरह, किसी दिन ऐसे सिखलाई एनसीसी, तो बाकी ड्रिल तो इनकी डेली होती है। अच्छा, ड्रिल डेली होती है। अच्छा, हाँ, ड्रिल इनकी डेली होती है। तो वो तो जो सभी बच्चे उनके एक साथ होते हैं या फिर मतलब हाउस वाइज है ना, जो यहाँ पर जैसे 12 हाउस बताए थे सर ने, पहला हाउस आएगा वो ड्रिल करता हुआ जाएगा, फिर सेकेंड हाउस है हाउस वाइज। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया सर। ड्रिल तो मैंने, हाँ मेन तो ड्रिल ही हूँ, ड्रिल के लिए तो बनी हुई स्कूल से। चलो बहुत अच्छा सर, थैंक यू। घोड़े के पिछाड़ी और अफसर के अगाड़ी वो वाली कहानी गलत है, ठीक है? अपन इसके साथ फ्रेंडशिप रहते हैं, कोई नहीं पिछाड़ी अगाड़ी कोई मतलब नहीं। आप जब फ्रेंडशिप कर लेंगे तो ये आपको अपना, और आपको बताना भूल गया, ये हमारा ब्लाइंड घोड़ा है। हाँ, तो इसके पास हम लोग सबसे पहले अपनी बॉडी की स्मेल को सूंघ लाता हूँ, कि सूंघ ले। अगर आंख अगर इनकी अगर मैं बंद भी कर दूं तो ये हमारे बॉडी स्मेल से पहचान लेगा कि उस्ताद आ गया। और ये भरपूर समझते हैं, ये जानवर बहुत ही अच्छे जानवर होते हैं। आप इनके साथ एक बार जुड़िएगा तो बहुत अच्छा आपको लगेगा, जो बोलिएगा वो आपको सुनेंगे। जिस तरीके से आप पीछे पैर को भी आप खाली छूना है ये उठा देंगे। और इसकी डेली ग्रूमिंग, ब्रशिंग, साफ सफाई टोटल चीज होती है। मैं यहाँ पर समय नहीं दे पा रहा हूँ आपको, नहीं तो आपको बहुत चीज मालूम करवा। एक खूबसूरत ग्राउंड, आगे चलते हैं। ये देखिए, इस ग्राउंड में कैडेट्स व्यायाम के साथ साथ में विभिन्न प्रकार के खेल, पीटी, परेड आदि समय समय पर यहाँ पर अपने शारीरिक क्षमताओं का प्रदर्शन करते रहते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के रोचक गेम भी होते रहते हैं। कहानी ऐसे प्रस्तुत की जाएगी, ये खाई है, आपको इमेजिन करना कि ये खाई है। व्हाइट एरिया आप इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लैक एरिया आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, रेड एरिया को आप टच कर सकते हो लेकिन आप उसको यूज नहीं कर सकते, राइट? और आप हो, आपके साथ 12 जने और हैं। अब आपको इस डिच को पार करना है, उस तरफ जाना है। आपको ड्रम दे दिया जाएगा, आपको रस्सी दे दी जाएगी, आपको पल्ली जो होता है वो। ये कैडेट्स के सोने बैठने की व्यवस्था है। साथ में ये एकेडमिक ब्लॉक हैं जहाँ पर स्टूडेंट जो कैडेट होते हैं वह अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से डेली क्लासेस अटेंड करते हैं। और साथ में ही ये प्रशासनिक बिल्डिंग है और ये जिम
इंडोर गेम्स के बिल्डिंग हैं, इंडोर स्टेडियम है, ये आउटडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम में काफ़ी स्पेस लिए हुए भव्य प्लेग्राउंड है स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पर स्टूडेंट विभिन्न प्रकार के इंडोर गेम्स को यहाँ पर खेल सकते हैं। साथ में ऊपर एक जिम है जिसमें सभी प्रकार के उपकरण उपस्थित मौजूद हैं, और ये मॉडल हैं इस सैनिक स्कूल का। इसकी जो डिजाइनिंग है वो इस प्रकार से हैं, यहाँ से विभिन्न अधिकारीगण जो कि इस स्कूल को इनमें गर्व है कि इन्होंने इस स्कूल का नाम रोशन किया है। हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हमें एक ऐसे विद्यालय का गौरव प्राप्त हुआ है, पूरे राजस्थान को गौरव होना चाहिए। सैनिक स्कूल चित्तौड़ के काफ़ी अच्छा यहाँ का मैनेजमेंट है, लाइब्रेरी जो सीटिंग व्यवस्थाएं काफ़ी सुंदर हैं। साथ में ये कैडेट्स के लिए तरण ताल है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की तैराक प्रतियोगिताओं का आयोजन भी समय समय पर होता रहता है। कैडेट्स, ये कैडेट्स की यूनिफॉर्म है, ये अजीत हैं और ये हमारी टीम है। थैंक यू।